आज मैं आप सभी से बात करना चाहूंगा मेरा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में और उसी के साथ आपको बताऊंगा कि प्रीवियस फाइव प्रीव ईयर थ्री ईयर एंड वन ईयर के अकॉर्डिंग क्या कंपनी आपको रिटर्न प्रोवाइड करी है इन वर्स एंड परफेक्ट कंडीशन जब मार्केट ऊपर अप्रिशिएट हो रहा होता है उसी के साथ साथ एस करने के लिए मिनिमम अमाउंट क्या रहेगा एक्सपेंस रेशियो क्या है कंपनी का और कौन कौन से सेक्टर एंड कौन कौन सी कंपनी के अंदर इस समय पर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान तो अगर बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू मिराई एसेट एमरजिंग ब्लूचे फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अकॉर्डिंग एन जो रहेगा वो है नाइनटी थ्री रुपीज का एंड आज अकॉर्डिंग टू क्रिजल रैंकिंग फाइव स्टार रेटिंग फंड रहेगा यहाँ पर कंपनी नाइनटी नाइन पॉइंट जीरो थ्री परसेंट अमाउंट जो है आपका इन्वेस्ट करेगी इंडियन स्टॉक्स के अंदर इट मीनस आपका जो टोटल अमाउंट रहेगा वो इक्विटी पार्टिसिपेशन में ही रहेगा जहां पर फोर्टी एट पॉइंट सेवेंटी सिक्स परसेंट अमाउंट लार्ज कैप कैटेगरी स्टॉक्स ट्वेंटी कैप्ट

टाइम ड्यूरेशन आप कंसीडर करिए अब अगर मैं बात करता हूँ आज़ अकॉर्डिंग टू द रिटर्न्स आल्सो आज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रिटर्न वन ईयर का जो रिटर्न है सेवेंटी एट पॉइंट सेवेंटी फाइव परसेंट का है आज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फाइव ईयर इट इज अप टू ट्वेंटी टू पॉइंट फिफ्टी एट परसेंट अगर आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं अब मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा आज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फाइव ईयर थ्री ईयर वन ईयर एंड टू ईयर के हिसाब से अगर आपने एस आई पी लगाई हुई है तो क्या रिटर्न रहेंगे आप देख सकते हैं पाँच साल के अकॉर्डिंग अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ दैट इज अराउंड ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट आज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्री ईयर इट इज थर्टी थ्री पॉइंट ट्वेंटी नाइन परसेंट एंड आज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वन ईयर इट इज सिक्सटी एट पॉइंट ट्वेंटी फोर परसेंट नाउ सम इन्वेस्टर आर हैविंग अ क्वेश्चन कि ऋषि अगर ये इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करता हूँ तो वर्स कंडीशन और बेस्ट कंडीशन में कितना रिटर्न आएगा तो वो भी मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर बेस्ट इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आप रिटर्न चेक करते हैं दैट इज ट्वेंटी टू पॉइंट थर्टी एट परसेंट वर्स्ट इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करते हैं इलेवन पॉइंट फिफ्टी सेवन परसेंट इट मीन्स अगर मार्केट बूम कर रही है एंड एवरी थिंग इज गुड इनफ इन दैट केस यू विल बी गेटिंग 22.38% टू पॉइंट थर्टी एट परसेंट एज अ मैक्सिमम रिटर्न एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फाइव ईयर और अगर वन ईयर के अकॉर्डिंग देखते हैं दैट इज 80.22% पॉइंट ट्वेंटी टू परसेंट इन वर्स सिचुएशन ऑल्सो अगर मैं बात करता हूँ दैट इज 11.57% एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फाइव ईयर्स और उसी के साथ साथ अब मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा इस पर्टिकुलर फंड का एज इफ नाउ अगर आप देखना चाहें तो एक्सपेंस रेशो इज जीरो पॉइंट सेवन टू परसेंट एज इफ नाव इट मीन्स अगर आपका एक्सपेंस रिशो कम रहेगा टोटल वैल्यू जो है वो ज़्यादा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होएगी तो उसके ऊपर रिटर्न भी आपको ज़्यादा आएगा स्कीम साइज सेवनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी टू पॉइंट टू ज़ीरो करोड़ का है उसी के साथ साथ ओपन एंडेड फंड रहेगा कभी भी पैसा लगा सकते हो और कभी भी पैसा निकाल सकते हो बट अगर 12 महीने से पहले आप अपना पैसा निकालते हो तो 1 परसेंट एज अ एग्जिट लोड आपके टोटल अमाउंट के ऊपर आपको देना पड़ेगा कंपनी को यहाँ पर अब मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कौन कौन से सेक्टर और उसी के साथ साथ कंपनीज के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर थर्टी हेल्थ केयर के अंदर टेन Technology, automobile, energy, chemical, FMCG, engineering, construction, consumer durable, metal, communication. It means these are the sectors, these are the companies. इन विच यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी एन अकॉर्डिंग टू दैट यू विल भी गेटिंग द रिटर्न कंपनीज की अगर बात करता हूँ आई सी आई सी बैंक एच डी एफ सी बैंक इन्फोसिस एक्सिस बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय एयरटेल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा स्टील लिमिटेड जेके सीमेंट एंड वोल्टाज एंड अदर कंपनीज आर ऑल्सो देयर सो यहां पर आप ये देख रहे होंगे कि आपका पैसा जो है वो हर एक सेक्टर में लग रहा है वो क्यों लग रहा है क्योंकि लार्ज कैप मिडिल कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी तीनों के अंदर आप अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फंड के अंदर अगर मैं बात करता हूं एक इन्वेस्टर अगर एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करता है एज इफ नाउ विद वन लाख रुपीज प्रीमियम अमाउंट तो उस केस में आफ्टर थ्री इयर्स उनको कितना प्रॉफिट हो जाएगा दैट इज़ अराउंड एट्टी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज़ का अगर मैं आज अकॉर्डिंग टू बात करता हूँ सी ए जी आर कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट के हिसाब से भी दैट इज ऑल्सो कमिंग ट्वेंटी टू पॉइंट फिफ्टी एट परसेंट जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा सकता हूँ एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फाइव ईयर अब अगर हम बात करते हैं कि मिनिमम प्रीमियम अमाउंट क्या रहेगा इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा और एस आई पी मोड अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो मंथली मंथली तो एक हजार रुपये मिनिमम रहेगा और लमसम मोड अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो लमसम एटीन जुलाई से एक्टिव होगा एंड उसके बाद से ही कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी ये सर्विस और ऐसा भी मोड आप एक हजार रुपये से इस समय पर स्टार्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट को बेसिकली मैं यहाँ पर आपको ये भी दिखा देता हूँ लेट सपोज वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ इन्वेस्टमेंट आज इफ नाउ इन दिस पर्टिकुलर फंड सो इन दैट केस मेरा कितना रिटर्न बन जाएगा मैं वो भी आपको एक बार चेक करके बताता हूँ अगर हम बात करते हैं एक सिंपल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग So, if an investor is ready to start an investment with this particular fund for five year, and the interest rate we are considering around in around eighteen percent only, right? And I am starting an investment with five thousand rupees, and my monthly contribution will be also five thousand rupees. In that case, if I will calculate the total amount, it is around four ,093, rupees by investing three lakh rupees from my pocket. ठीक है क्योंकि अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करूँगा पाँच हज़ार रुपये के हिसाब से तो बारह महीने के साठ हज़ार हो गए पाँच साल के हो गए तीन लाख रुपये और अभी अगर मैं कैलकुलेशन देखता हूँ दैट इज़ फोर लाख नाइन्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी नाइन रुपीज़ टोटल अमाउंट अगर आपको लगता है कि येस यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन अ हाइब्रिड पोर्टफोलियो इन दैट केस आई रिकमेंड यू गाइज कि मिराई एसेड एमरजिंग ब्लूचि फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को भी एक अपना ऑप्शन आप रख सकते हैं एंड अगर आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा हो या आपको लगा हो कि वीडियो के अंदर नॉलेज है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स यही था पूरा का पूरा फंड जो मैं आप सभी को दिखाना चाह रहा था अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ऑर वैल्यूएबल टाइम हैव डे दोस्तों